हेलो व्यूअर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा कंप्यूटर है, और दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा मोबाइल है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट आप चलाएंगे, और उसके लिए आप जो दोस्तों आप जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे हाथ में यूएसबी केबल है। आप यूएसबी केबल का इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर में इंटरनेट कैसे चलाएंगे, ये जानकारी इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, वीडियो का शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कि आप देख रहे हैं, इस एरिया को हम डेस्कटॉप बोलते हैं, और यहाँ पे जैसा कि आप जानते हैं, इंटरनेट चलाने के लिए हम वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करते हैं, और वेब ब्राउजर में जैसा कि आप देख रहे हैं, गूगल क्रोम, गूगल क्रोम को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पे यूट्यूब को, अगर का जो होम पेज है उसको अगर हम ओपन करना चाहते हैं, यूट्यूब, और जैसे ही हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, यहाँ पे नो इंटरनेट बता रहा है कि इसमें हमारे कंप्यूटर में कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, ना तो वाईफाई से, ना तो वायर के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से अपने कंप्यूटर में आप इंटरनेट का कनेक्शन को ऑन कैसे करेंगे, इंटरनेट का कनेक्शन आप कैसे चला पाएंगे, इंटरनेट से रिलेटेड काम को आप कैसे कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा ये यूएसबी केबल है, यहाँ पे जो सी पोर्ट है, इसमें हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर दिया। और दूसरा जो हिस्सा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं यूएसबी पोर्ट में यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे एक मैसेज हमको मिलेगा, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इसको हमको यूज़ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सीधे इसको हम कैंसिल कर देते हैं। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे, इसके लिए आपको एक बहुत छोटी सी सेटिंग आपको अपने मोबाइल के अंदर करना है। दोस्तों, यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे जो सेटिंग है, इस पर हम प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद यहाँ पे USB हम यहाँ पे सर्च करेंगे, और यहाँ पे सर्च पे प्रेस कर देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे USB टेथरिंग लिखा है, इसको हम इनेबल कर देंगे। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे, और जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो हमारा इंटरनेट का कनेक्शन जो है, हमारा ऑटोमेटिक, जैसा कि आप देखेंगे अभी यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अगर इसको हम एक बार अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा जो भी हम इंफॉर्मेशन सर्च किए थे, वो यहाँ पे दिखना आपको शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे थे, पहली बार मैंने यूट्यूब सर्च किया था, तो वहाँ पे हमको इरर देख रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। अगर चलिए, मैं दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब का जो वेबसाइट है, इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय हमारे कंप्यूटर में जो है, इंटरनेट का कनेक्शन ऑन हो चुका है, हमारा जो कंप्यूटर है वो ऑनलाइन हो चुका है। हम इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी काम जो है, बहुत ही आसानी से, सक्सेसफुली यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से USB केबल का यूज़ करके आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को बहुत ही आसानी से कैसे चला पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।